अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमने आपको बताया था कि उन खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसे उमूमन नहीं दिखाया जाता, और जब हम जैसे न्यूज़ दिखाते हैं यानी कि जिस तरह की न्यूज़ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं तो हमें ना दिखाने की हिदायत भी कुछ लोग देते हुए देखा जाता है। सभी जानते हैं कि मुल्क में हिंदुत्व का दायरा वसी होता जा रहा, अब तो सरकारी तौर पर भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा, पर क्या इससे संविधान खतरे में नहीं है? शायद संविधान खतरे में रहने की बात भी अब कुछ लोगों पर असर नहीं, कुछ क्या सभी को असर नहीं हो रही, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन लोग अब एक ही सोच और फिक्र से मुतासिर होते जा रहे हैं। आज का मौजू बड़ा ही संजीदा कह सकते हैं। कुछ ही दिन पहले पूरे भारत में होली का पर्व मनाया गया। कहते हैं होली वो त्योहार है जिसे अच्छाई की बुराई पर जीत के तौर पर मनाया जाता, लेकिन आजकल कोई भी त्योहार आता है तो किसी न किसी तरीके से समाज को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। पूरे भारत में होली मनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे इस त्यौहार को कुछ लोग बदनाम करते हुए भी देखा जा रहा है। खासकर अपने आप को हिंदुत्व के आलमबरदार समझने वाले और उसमें भी खासकर नौजवान नस्ल शरारत के लिए बहाने तलाशते हुए देखा जा रहा है। कुछ वारदातों पर जिक्र करने से पहले कुछ दिगर खबरों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि माहौल एक तरह का ही बनता जा रहा है तो उन खबरों पर भी नजर रखना जरूरी है। बिहार के छपरा जिले में नसीम कुरैशी को गौमांस के शक में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। अब इस मामले में दो अफरादों को गिरफ्तार किया गया, रवि शाह और उज्जवल शर्मा के साथ दो और की तलाश पुलिस वालों का है। नसीम कुरैशी के घर वालों का कहना है कि पुलिस मुजरिमों को बचाने की कोशिश करेगी। वैसे निशाना अव्वल तो मुसलमान ही है, लेकिन ईसाई और दलित भी कोई अलग नहीं है और पीछे भी नहीं, उन पर भी मुस्तकिल हमले होते जा रहे हैं। उन पर भी कई जगह पर हमले करने की, चर्च पर हो या फिर दलितों पर, बारह खबरें देखे सुनी जा रही। एक बार फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कानपुर के चकेरी में वीएचपी बजरंगदल की जानिब से मुस्तकिल निशाना बनाते हुए दो चर्चों पर हमला किया गया, यानी कि ईसाइयों पर भी किस तरह से हमला किया गया उसे समझने की जरूरत है। बजरंगदल का कहना है क्या यहाँ गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दीली की जा रही थी। 4 मार्च को वीएचपी बजरंगदल की भीड़ ने कानपुर के श्यामनगर में वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में कुछ ईसाई इबादत करते हुए उस वक्त हमला किया गया, और यह दावा किया गया कि अभिजीत, रजत, जीवन, शिवांत, शीतल और राणा लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर रहे थे। खैर, दो चर्चों का नुकसान किया गया। नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने की वारदात भी कुछ दिन पहले पेश आई थी। इसी तरह दलित और ईसाइयों पर हमले भी तेज हो चुके हैं, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी हमने कहा था कि संविधान को बचाने की लड़ाई अलग अलग लड़ने से नहीं होगी, क्योंकि सीधे संविधान ही निशाने पर है और संविधान ही खतरे में। जब संविधान होगा तो यहाँ पर अमन सुकून भी बरकरार रहेगा। अजीब बात तो यह है कि खुलेआम गुंडागर्दी होने के बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब बात करते हैं होली पर। कुछ जगहों पर जो वारदातें पेश आई है इसे कोई भी तहजीब याफ्ता शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अपने आप को कोई भी हिंदू ही क्यों ना समझे, किसी भी धर्म के लोगों को ये जेब नहीं देता कि त्योहारों के नाम पर किसी को भी तकलीफ दी जाए, और खास कर किसी भी धर्म के खवातीन हो त्योहारों के नाम पर परेशान हिरासा न किया जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम खवातीनों को रंग और पानी के बलून से हिरासा किया जा रहा है। क्या यही त्योहार है? आप अपने तौर पर बिल्कुल मनाए और पूरी खुशियों के साथ मनाए, जोश जज्बे के साथ मनाए, पर जो लोग नहीं मनाते हैं उन्हें इस तरह हिरासा करना कहां तक दुरुस्त है? इससे पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ऑटो से गुजरने वाली दो मुस्लिम खवातीनों पर इसी तरह पानी और रंग फेंका गया। जब एतराज करती है तो फिर एक बार तो उन औरतों पर पानी उंडेल दिया जाता है। वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को परेशान कर फिर वीडियो वायरल करने वाले का नाम प्रशांत बताया जा रहा है। एक और वीडियो में देख सकते हैं कुछ लड़के फॉरेनर्स को रंग लगा रहे। क्या किसी भी खातून को इस तरह सड़कों पर जबरदस्ती रंग लगाना किस तरह के अखलाक कह सकते हैं? आगे जाकर उस खातून ने सोशल मीडिया पर जबरदस्ती से रंग लगाने पर क्या कहा, खुद सुनिए। It's the best by any means. Don't go outside if you're a female and you're by yourself. That's just standard. I went out because I was with a lot of guys and I knew that they'd be able to look after me, or I wouldn't have gone out if that wasn't the case. After that one guy grabbed my boob and like, it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard. Like he was trying not to be noticed, like he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him, the guys got him away, and then after that the guys really 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 surrounded me, really protected me, and I only had one other guy who grabbed my boob. I shouldn't even be saying one
it was only one other guy because one is too many. But मतलब ऐसे हरकतों से देश का नाम भी बदनाम हो जाता। लेकिन बेखौफ और आवारा भीड़ अब किसी के काबू में आने को तैयार नहीं। पुलिस भी बेबस नजर आ रहे हैं। बीजापुर के अतनाल ने अपने बयान में इसी बात को तो वाजे किया कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। इसका क्या मतलब? मुस्लिम खवातीन पर ना सिर्फ रंग बल्कि कुछ मुस्लिम घरों पर पथराव करने तक भीड़ पहुंच गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं घर में माँ और बेटी है और कुछ नौजवान होली के रंग में डूबे घर पर पथराव कर रहे हैं। आखिर एक समाज को और कितना हिरासा किया जाएगा? क्या कानून नज्म जब्त नाम की कोई चीज बाकी है? क्या इन फिरका परस्तों को किसी का भी डर नहीं रहा? क्या इन्हें सियासी लीडरों की शय मिल रही है? इसकी एक और अहम वजह यह भी है कि मुस्लिम समाज इंसाफ की गुहार लगाने के बजाय खामोश तमाशा ही बनता जा रहा है। कहां से कहां यह समाज माशरा पहुंच गया। किसी भी त्यौहार को इंतहाई खुशी और मसर्रत से मनाया जाए और मनाना भी चाहिए। और भारत ये मुख्तलिफ मजाहिब मुख्तलिफ रंग का एक गुलदस्ता है, लेकिन इस तरह किसी और धर्म मजहब की औरतों को जबरदस्ती से रंग लगाना और हिरासा करना इसे गैर इंसानी ही कह सकते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और अगर पुलिस भी फिरका परस्तों का साथ दे रही तो इनके भी खिलाफ पिटीशन दाखिल करे, वरना यूं ही हर मामले में खामोशी आने वाली समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान दलित या ईसाई बल्कि इस समाज का इस माशरे का हर फर्द मुतासिर होगा, क्योंकि ये भीड़ इसी तरह आवारा बनती जाएगी। मेरा तो कहना यह है कि ऐसे लोगों की मजम्मत हिंदू समाज से ही होनी चाहिए। होली जिसे अच्छाई की बुराई पर जीत कहा जाता है, क्या इस तरह त्योहार का पैगाम दिया जाता है? कहते हैं बुराई तब पनपती है जब अच्छे लोग खामोश बैठने लगते हैं। जरूरत है समाज का हर वो हिस्सा तबका किसी भी धर्म जात पात का हो आवाज बुलंद करे, क्योंकि पूरे समाज की खामोशी पूरा समाज मुर्दा होने की दलील है। और वैसे भी मुस्लिम समाज कब का मुर्दा हो चुका है। अगर मुर्दा ना होता तो अब तक आवाज उठा चुका होता, इतना तो जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।